कामयाब वही होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। ऐसी कहावतें हम सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन कहावतों को हकीकत में तब्दील करते हैं। दरअसल हतीन के गांव कोंडल में एक ऐसा इंसान भी है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। किस्मत ने इन दोनों हाथों को छीन लिया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। किसी ने सही कहा है, हाथों की लकीरों पर भरोसा मत कर, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जी हाँ, इस कथनी को करनी में बदल दिया है इस इंसान ने। ये वो इंसान है जिसके दोनों हाथ एक दर्दनाक हादसे ने छीन लिए। जहाँ इंसान आज के वक्त में अपनी जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियों को लेकर आत्महत्या जैसे कदम उठाता है, तो वही दूसरी ही तरफ हतीन के गाँव कोंडल निवासी धर्मवीर ने लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। धर्मवीर से सभी को सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, बस आपको हार नहीं माननी है। खेत को पूरा काम पानी लगानो, ट्रैक्टर चलानो, कल्टीवेटर चलाने, कुट्टी काटने, धान लगाने, केवल वो दो काम से प्रेरित मुझे खाद नहीं डलता खेत में, खेती में पीछे पीछे आगे बताओ। अरे एक रोटी नहीं खपती अपने हाथ से, रोटी खाऊं सिटूल पे बैठ के, बस बाकी सब काम मैं अपने आप करूं। लोग ये कहते हैं हम तो कभी भी जिंदगी में हारिए ना हिम्मत, विसारी ना काम। 48 साल के धर्मवीर ने जिंदगी में आने वाली परेशानियों से दूर भागने की बजाय उन परेशानियों का डटकर सामना किया। दरअसल धर्मवीर की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। आइए सुनते हैं धर्मवीर की दर्दनाक कहानी उन्हीं की जुबानी। 12 अप्रैल 1981 उसमें मेरा हाथ कट गई शाम को 6 बजे। उसके बाद हम सफदरगंज में गए, उसके बाद इलाज हुआ, वो अनाज निकाले गल्ला, उसमें शौक में हम चले गए मशीन पे, एक मिनट में उस बजे। बहरहाल जहां 14 साल की उम्र में किस्मत ने धर्मवीर के हाथ छीन लिए, तो वहीं दूसरी तरफ 48 साल के धर्मवीर अब उन लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं जो अपनी परेशानियों से डटकर सामना करने की बजाय खुदकुशी कर लेते हैं। जनता के लिए हतीन से सुखदेव तेवतिया की रिपोर्ट।